फादर्स डे के मौके पर जहां सभी अपने पिता को विश कर रहे थे, वहीं भीलवाड़ा के हरणी महादेव रोड स्थित ओम शांति सेवा संस्थान की ओर से संचालित वृद्धाश्रम में 500 से अधिक बुजुर्ग अपनी दास्तान समेटे हुए हैं और पुत्रों के दुख में दुखी हो रहे हैं। 5 सितंबर 2013 को एक दुर्घटना में अपना पैर गंवाए दिव्यांग बने बिजोलिया के वृद्ध कहते हैं कि आज वे ऐसा दर्द सहन कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे भी जब माँ बाप बनेंगे और बूढ़े होंगे तब वे समझेंगे कि माता पिता के बच्चों से दूर रहने का दर्द क्या होता है। महाराष्ट्र से आए मोहन कुमार पिंगले ने बस यही कहा कि सभी अपने माँ बाप का ख्याल रखें और जीवन में प्रगति करें। ओम शांति वृद्धाश्रम के संस्थापक सुभाष चौधरी ने कहा कि उनके यहाँ भीलवाड़ा से बाहर के लोग रहते हैं ताकि उनके पुत्रों की इज्जत पर सामाजिक आंच ना आए, लेकिन साल में एक दिन आने वाले फादर्स डे पर उन पुत्रों को अपने पिता का ख्याल रखने के लिए आना चाहिए। चाहेंगे कि वो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़े, वो अपनी ड्यूटी पूरी करे अपने मदर के प्रति, क्या और आगे बढ़े, क्या अपना पारिवारिक जो जीवन है उसको सुखमय बनाए। मैं फादर्स डे के उपलक्ष्य में मैं एक ही बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि माँ बाप बच्चे को कितना प्यार करते हैं, वो जब तुम माँ बाप बनोगे, जब मान लो